हेलो गाइस, दिस इज़ आवर फिफ्थ चैप्टर फॉर क्लास सिक्स्थ। टाइटल इज एडजेक्टिव्स एंड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आप जानते हैं, जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उन्हें डिस्क्राइब करते हैं, वे एडजेक्टिव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ थ्री ब्रदर्स। ब्रदर यह नाउन है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है, तो यहाँ पर थ्री है, थ्री यहाँ पर आपका एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट, हर हाउस इज देयर। तो हाउस यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले हर है, हर यहाँ पर एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, सौम्या वोर अ न्यू ड्रेस। ड्रेस इज अ नाउन, न्यू इज अ एडजेक्टिव। ही हैज़ अ ब्लू पेन। पेन इज अ नाउन और ब्लू इज अ एडजेक्टिव। अब यहाँ पर है पोजिशन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर यूजली प्लेस्ड बिफोर नाउन्स, बट समटाइम्स दे मे बी प्लेस्ड आफ्टर नाउन एज वेल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये नाउन के बाद भी आ सकते हैं। जैसे नेहा इज ए क्रिएटिव पर्सन, तो पर्सन यहाँ पर नाउन है, इसको और डिस्क्राइब किया गया है इस वर्ड के साथ, तो क्रिएटिव इज़ अ एडजेक्टिव। दैट गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, तो नाउन यहाँ पे गर्ल नाउन है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव बाद में यूज हुआ है, ब्यूटीफुल इज़ एडजेक्टिव। द ड्रेस इज़ न्यू, इसे ऐसे भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर नाउन के बाद एडजेक्टिव आया है। द चाइल्ड इज़ प्रिटी, तो नाउन के बाद यहाँ पर एडजेक्टिव आया है, तो कुछ केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि एडजेक्टिव नाउन के बाद यूज़ किया जाता है। आर फर्स्ट एक्सरसाइज, सर्कल द एडजेक्टिव ऑफ द अंडरलाइन नाउन। वी विल रीच होम आफ्टर 2 वीक्स, तो 2 यहाँ पर आपका एडजेक्टिव हुआ, इसको सर्कल करेंगे। दीज आर हिज पेंटिंग्स, पेंटिंग्स के साथ हिज यूज हुआ है, तो हिज यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है। दैट कार इज़ ब्यूटिफुल, अब यहाँ पर ब्यूटीफुल है, तो यहाँ और यहाँ दैट है, तो दैट को दैट यहाँ पर एडजेक्टिव ना होते हुए यहाँ पर हम ब्यूटीफुल को सर्कल करेंगे। एवरी टीचर वॉन्ट्स टू सी टाइडी वर्क, वर्क से पहले टाइडी आया है, टाइडी इज़ अ एडजेक्टिव। द होली रिवर गंगा, रिवर गंगा, गंगा की विशेषता बता रहा है होली, तो होली इज़ अ एडजेक्टिव। अ वेडिंग इज द इन द फैमिली इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू नो योर रिलेटिव, तो यहाँ पर परफेक्ट नहीं आएगा, अपॉर्चुनिटी, हाँ तो परफेक्ट से पहले अपॉर्चुनिटी है, तो परफेक्ट यहाँ पर आपका एडजेक्टिव वर्स, और रिलेटिव से पहले योर है, तो योर आपका यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर है आपका, यहाँ ब्यूटीफुल नहीं होगा, इस सेंटेंस में आपका दैट कार्ड से पहले दैट यूज हुआ है, इसलिए दैट यहाँ पर एडजेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नाउन इन्होंने अंडरलाइन किए हैं उनको वहाँ पर एडजेक्टिव हमको फाइंड करके सर्कल करना है, तो यहाँ पर दैट आपका एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है, वरुण इज़ अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। स्टूडेंट इज़ अ नाउन, सो हार्ड वर्किंग ये एडजेक्टिव हुआ, इसको हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट, द प्रिंसेस हैड लॉन्ग एंड ब्लैक हेयर। हेयर को यहाँ पे सर्कल किया गया है, नाउन है, तो हेयर से बिलोंग करता है लॉन्ग एंड ब्लैक, तो ये आपका एडजेक्टिव हुआ। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यहाँ पर एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर इस लेसन में 5 तरह के एडजेक्टिव बताए गए हैं। पहला है क्वालिटी, दूसरा क्वांटिटी, थर्ड नंबर, फोर्थ डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड लास्ट है इंटरोगेटिव। ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। किसी पर्सन या किसी थिंग की जो क्वालिटी, जो वर्ड डिस्क्राइब करते हैं, उनको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। जैसे स्नेहा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, स्नेहा कैसी है, स्नेहा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे स्नेहा के बारे में बात की जा रही है, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल इज़ अ
एडजेक्टिव क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एग्जाम्पल है। न्यू डेली इज़ अ लार्ज सिटी, न्यू डेली के बारे में बात की जा रही है, उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है लार्ज वर्ड से, तो लार्ज इज़ अ एडजेक्टिव वर्ड्स, दिस इज़ अ क्वालिटी। हेयर ब्यूटिफुल एंड लार्ज टेल अस वॉट काइंड ऑफ ए पर्सन एंड थिंग। यहाँ पर ब्यूटिफुल और लार्ज वर्ड से हमको पता लगता है कि ये किस तरह का पर्सन है और किस तरह का थिंग है। दे आंसर द क्वेश्चन वॉट काइंड ऑफ पर्सन और थिंग डिस्क्राइब। तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का डेफिनेशन थी और उसके एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वान्टिटी। क्वांटिटी मीन्स मात्रा, कोई भी चीज़ कितनी मात्रा में है या पर्सन कितने हैं। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी स्पेसिफाइज द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग। जैसे दे हैव फिनिश्ड मोस्ट ऑफ द राइस, तो मोस्ट यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड है कि वो मोस्ट ऑफ द राइस, मतलब वे फिनिश कर चुके हैं अधिकतर चावलों को, वो अधिकतर चावलों को फिनिश कर चुके हैं। देयर इज़ इनफ शुगर इन द जार, जार में बहुत सी शुगर है, तो मोस्ट ऑफ इनफ इज़ अ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। द हाईलाइटेड एडजेक्टिव टेल अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ राइस एंड शुगर रिस्पेक्टिवली। द वर्ड्स प्रिंटेड इन कलर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी। तो जो मोस्ट और इनफ, ये आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, और इस एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जो क्वेश्चन बनता है वो हमेशा हाउ मच आता है, मतलब कितना कितना है। जब भी क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर मतलब जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल अस हाउ मैनी पर्सन और थिंग्स आर मीन, मतलब कितने पर्सन या कितनी चीज़ें यहाँ पर थीं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे सेवरल पीपल गॉट इन टू द बस, बस में बहुत सारे लोग थे, तो बस में जितने यात्री हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं। आई हैव फाइव पेन्स, मेरे पास पाँच पेन हैं, काउंटेड है। देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, काउंटेड है। ही हैज़ वन बॉक्स, उसके पास एक बॉक्स है, काउंटेड है। तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, और जहाँ हम काउंट नहीं कर सकते, जो अनकाउंटेबल होता है, वहाँ पर हम एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी का यूज़ करते हैं। अब इसमें सम एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर मैनी सेवरल एंड फ्यू, इसमें कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं। जैसे मैनी, मैनी हमेशा वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं। इसी तरह से सेवरल और फ्यू का भी यूज़ हम वहाँ करते हैं इन वर्ड्स का, जहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं पर्सन्स को। सम अदर एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर वर्ड्स लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड विच शो इन दैट इन वॉट ऑर्डर अ थिंग और ए पर्सन स्टैंड, दे आर ऑल्सो नन एज ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है, देखें, द सेवन्थ बॉय, ये सेवन्थ, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, ये हमारे ऑर्डिनल नंबर हैं, तो ये भी हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में यूज़ होते हैं। और अगर कार्डिनल है, जैसे 3, 5, 6, 4, तो ये भी हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के एग्जाम्पल हैं। यूज़ ऑफ मच और मैनी, मच और मैनी का यूज़ कैसे किया जाता है। वी ऑलवेज़ यूज़ मच टू इंडिकेट क्वान्टिटी, मच का यूज़ हमेशा हम क्वान्टिटी को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। मैनी टू इंडिकेट नंबर, और मैनी का यूज़ हमेशा नंबर को इंडिकेट करने में किया जाता है। इन अदर वर्ड्स विद अनकाउंटेबल्स, इन अदर वर्ड्स वी यूज़ मच विद अनकाउंटेबल। जैसा कि मैंने अभी बताया मैंने आपको कि मच का यूज़ वहाँ होता है जहाँ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और मैनी का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर काउंटेबल नाउन्स होते हैं। जैसे देयर इज़ मच वर्क, वर्क को हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मच का यूज़ करेंगे। देयर इज़ मच अरेंजमेंट टू बी मेड, अरेंजमेंट को भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर भी हम मच का यूज़ करेंगे। देयर आर मैनी लेडीज़, लेडीज़ आर नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर आर मैनी लेडीज़, लेडीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, सो वी विल यूज़ मैनी। ही अटेंडेड टू मैनी कस्टमर्स, कस्टमर्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम मैनी का यूज़ करेंगे। आई होप आपको मच और मैनी का यूज़ कैसे करते हैं ये समझ आ गया होगा। अब आते हैं यूज़ ऑफ आ फ्यू, फ्यू, आ लिटिल और लिटिल, ये चार वर्ड्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, अब इनके बारे में जानते हैं। वी यूज़ आ फ्यू मीन्स सम, आ फ्यू का मतलब होता है कुछ। सिमिलरली
फ्यू मीन्स ऑलमोस्ट नन, और फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नन, मतलब लगभग कोई भी नहीं। टू इंडिकेट ऑलमोस्ट नन वी यूज़ लिटिल, इसी तरह से जब लगभग कोई भी नहीं होता तो वहाँ पर हम लिटिल का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आ लिटिल मीन्स सम, और आ लिटिल का मतलब होता है सम, मतलब आ फ्यू और आ लिटिल का मतलब होता है तो का मतलब होता है सम, जहाँ पर कुछ लोग हैं या कुछ मात्रा में हैं। और फ्यू और लिटिल का यूज होता है ऑलमोस्ट नन, जहाँ पर लगभग कोई भी नहीं है। अब इनका यूज़ देखते हैं। देयर वर अ फ्यू पीपल इन द ऑडिटोरियम, फ्यू यानी कि सम पीपल, मतलब ऑडिटोरियम में कुछ लोग थे। देयर वर फ्यू पीपल इन द ऑडिटोरियम, ऑलमोस्ट नो पीपल, तो यहाँ पे आ फ्यू आ गया, आ फ्यू यानी कि कुछ लोग थे, 10 थे, 8 थे, 7 थे, मतलब थे वहाँ पर कुछ लोग थे। और अगर खाली फ्यू है तो यानी कि यहाँ पर ना के बराबर थे, मतलब सिर्फ एक या दो लोग थे, मतलब ना के बराबर थे। अब शी गॉट अ लिटिल हेल्प फ्रॉम हर फ्रेंड्स, यानी कि सम हेल्प, थोड़ी सी मदद, उसने अपने फ्रेंड की थोड़ी सी मदद ली की। शी गॉट अ लिटिल हेल्प फ्रॉम हर फ्रेंड्स, अपने अपनी फ्रेंड से थोड़ी सी मदद ली। He got little help from his friend, almost no help, मतलब ना के बराबर मदद ली, लेकिन ना के बराबर, बहुत ही कम। तो ये इसका डिफरेंस भी है और यहाँ पर इसका यूज़ भी सिखाया गया है। अब एक्सरसाइजेस इससे रिलेटेड, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स एंड क्लासीफाई देम एज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, क्वान्टिटी एंड नंबर। यहाँ पर हमें क्वालिटी हम पढ़ चुके हैं, क्वान्टिटी हम पढ़ चुके हैं और नंबर भी हम पढ़ चुके हैं, तो हमें इनको क्लासीफाई करना है कि कौन सा एडजेक्टिव है, और साथ में हमको आइडेंटिफाई भी करना है। जैसे मैनी स्टूडेंट्स गैदर्ड एट द गेट टू अपीयर फॉर द टेस्ट, अब स्टूडेंट्स हैं, हम इसको काउंट कर सकते हैं, मैनी का यूज़ हुआ है तो मैनी को हम सर्कल कर लेंगे, और जहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो यहाँ पर मैंने इसलिए नंबर लिखा है। There is not much ice in the fridge. Much का यूज़ हुआ है, much को सर्कल करेंगे, और much का यूज़ होता है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जो हम काउंट नहीं कर सकते वो आता है हमारे क्वांटिटी में। Is there any milk in the bottle? तो milk को भी हम काउंट नहीं करेंगे, any का यूज़ हुआ है, और any का यूज़ हुआ है, it means this is a quantity of adjective. She had enough money to buy a bicycle. Enough money मतलब पैसा है, कितना है, काउंटेड नहीं है, तो ये भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ। सम राइस, राइस भी अनकाउंटेड होता है, तो यहाँ पर आपका हो गया क्वांटिटी। शी हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स थोड़े हैं लेकिन हम काउंट कर सकते हैं, तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ। द चिल्ड्रन प्लेड लाउड म्यूजिक, म्यूजिक को हम काउंट नहीं कर सकते, सो दिस इज़ अ क्वालिटी, सॉरी यहाँ काउंट भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि बच्चों ने म्यूजिक प्ले किया, मतलब बच्चे म्यूजिक चला रहे थे, कैसा, लाउड, तो जहाँ पर हाउ का साउंड आता है, हाउ में क्वेश्चन होता है, वहाँ पर हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, तो लाउड या लाउड को आप सर्कल करेंगे। वन बॉय ऑफ क्लास सिक्स वॉन द कॉम्पिटिशन, नंबर है, नंबर ऑफ एडजेक्टिव है, क्लास सिक्स को आप सर्कल करिए। शी द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, तो दिस इज अ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फर्स्ट को आप सर्कल करेंगे। अमित लव्स टू वॉच हॉरर मूवीज, अब यहाँ पर मूवीज कैसी हैं ये बताया है इस वर्ड से, तो दिस इज अ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है कुछ पर्सन और थिंग को पॉइंट आउट करने के लिए। जैसे द बॉय इज इंटेलिजेंट, दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, दैट बॉय इज वीक, तो यहाँ पर दो लड़कों के बारे में बात की गई है कि दिस बॉय, यह लड़का इंटेलिजेंट है, दैट बॉय इज वीक, वह लड़का वीक है। दोज पीपल आर गुड, वो लोग अच्छे हैं। दिस बॉयज आर बैड, ये लड़के बुरे हैं, तो यहाँ पर इनको पॉइंट आउट किया गया है। और आप जानते हैं कि दिस और दैट सिंगुलर हैं, और दोज और दीज आर प्लूरल। अब इनका यूज सीखते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। लिसन, अब लिसन, दैट ऑफुल डॉग नेक्स्ट डोर इज बार्किंग
अगेन, जो चीज़ हमें लगता है वो हमसे दूर हैं वहाँ पर हम दैट का यूज़ करते हैं, और जिनको लगता है वो हमारे पास हैं वहाँ पर हम दिस का यूज़ करेंगे। यही रूल हम दीज और दोस के साथ करेंगे, बस कंडीशन ये है कि वहाँ पर वो प्लूरल होने चाहिए। तो यहाँ पर डॉग है, एक ही है तो यह सिंगुलर है, इसलिए दैट का यूज़ किया है, क्योंकि नेक्स्ट डोर मतलब वो हमसे दूर है, सेंटेंस पढ़ने से पता लग जाता है। डोंट टेक दिस मग, इट इज़ ब्रोकन, टेक दिस वन। तो यहाँ पर मग क्योंकि वो मेरे पास रखा हुआ है, मैं उसको लेना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर इसलिए दिस का यूज़ होगा, और क्योंकि सिंगुलर भी है। लुक एट दिस पेंटिंग ओवर देयर, पेंटिंग है सिंगुलर है, पास में है तो दिस का यूज़ होगा। लुक एट दैट वुमेन ओवर देयर, देयर भी आ रहा है, देयर है ओवर देयर, मतलब लुक एट दैट वुमेन ओवर देयर शी इज़ अ स्पेनिश टीचर, सिंगुलर है तो यहाँ पर दैट का यूज़ होगा। दीज माउंटेन्स इन द डिस्टेंस आर द अल्प्स, तो यहाँ पर माउंटेन्स है प्लूरल है तो दीज का यूज़ होगा। हिज अंकल हु फाउट इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट टोल्ड हिम दैट इन दोज डेज, मतलब वो दिन बीत चुके हैं, पास्ट के लिए हम यूज़ करेंगे, दोज डेज दे डिड नॉट हैव इनफ फूड। आई फाउंड, जहाँ एक तरीके से आप ये भी पहचान लगा सकते हैं कि जहाँ पे पास्ट टेंस हो वहाँ पर हम दैट और दोज का यूज़ करेंगे, यहाँ फाउंड आपका पास्ट है तो दैट आ गया। शी कैन नॉट ईट ऑल ऑफ द दीज बनानास, प्लूरल है, और आपका कैन का या कैन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, सो दिस इज प्रेजेंट। दीज पेंस हियर आर, हियर के साथ दीज, बट दोज ओवर देयर आर माइन, देयर के साथ हमेशा दोज का यूज होता है। दिस ग्लास हियर इज माइन बट दैट वन ओवर देयर इज हिज, तो इस तरह से दिस और दैट का यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव समझ आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि एडजेक्टिव दैट आर यूज्ड विद नाउंस टू आस्क क्वेश्चन आर इंटरोगेटिव, जो जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वहाँ पर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, व्हाट यहाँ पर है क्वेश्चन के साथ लगा हुआ है तो दिस इज एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। हुज पेन इज दैट, हुज इज अ एडजेक्टिव इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। हु इज योर फेवरेट ऑथर, हु इज अ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब लास्ट है आपका पजेसिव एडजेक्टिव्स। अब पजेसिव एडजेक्टिव शोज पजेशन और बिलोंगिंग। पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा मतलब वस्तु के साथ या पर्सन के साथ हमारे रिलेशन को दिखाता है कि हम उसके लिए कितने पजेसिव हैं, उससे कितने जुड़े हुए हैं। इसमें इस तरह से टेबल बनेगी, जैसे सिंगुलर आ गया और प्लूरल आ गया, फर्स्ट पर्सन है माई के साथ, माई है सिंगुलर के लिए माई, प्लूरल के लिए आर। सेकंड पर्सन में योर का ही यूज़ होता है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। थर्ड पर्सन में हिज हर इट्स का यूज़ होता है, और प्लूरल है तो देयर का। जैसे हर पेन इज ऑन द टेबल, और ये नाउन से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। योर बाइक इज न्यू, पेन नाउन है, बाइक नाउन है, हिज हाउस हाउस नाउन है, ये बिल्कुल इनसे जुड़े हुए होते हैं। हर पेन, योर बाइक, हिज हाउस, ये इनकी पहचान होती है। माई कार, इट्स टायर्स, आर स्कूल, ये इनकी पहचान होती है, क्योंकि पजेसिव केस आप प्रोनाउन में भी पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन में यही डिफरेंस होता है कि प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होते हैं, और एडजेक्टिव की पहचान ये होती है कि वो हमेशा नाउन से जुड़े हुए होते हैं, उनमें कोई भी गैप नहीं होता। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज देख लेते हैं। राइट द करेक्ट पजेसिव एडजेक्टिव। मैरी लाइक्स हर ग्रैंड मदर, मैरी क्योंकि लड़की है तो यहाँ पर हर का यूज़ होगा। आई लाइक सिंगिंग, माई मदर सिंग्स विद मी, यहाँ पे माई का यूज़ होगा कि आई लाइक सिंगिंग, मैं गा रही हूँ, या सॉरी मुझे गाना पसंद है, तो माई मदर सिंग्स विद मी, मेरी माँ मेरे साथ गाती हैं। योर आंसर शीट्स आर चेक्ड, वी गो टू अ हाई स्कूल, आर हाई स्कूल इज़ फैंटास्टिक, वी है तो इसलिए यहाँ पर आर का यूज़ करेंगे। हिज स्कूल इज़ क्लोज टूडे, यहाँ पर हिज भी लगा सकते हैं आप, हर भी लगा सकते हैं। हर हाउस इज़ नीट नियर द पोस्ट ऑफिस, इसी तरह से यहाँ पर हर की जगह हिज का भी यूज़ कर सकते हैं। नैन्सी इज़ फ्रॉम इंग्लैंड, नैन्सी क्योंकि गर्ल है तो यहाँ पर हम हर का यूज़ करेंगे। वी हैव ए डॉग, इट्स नेम इज़ स्नोपी, अब यहाँ पर कुत्ते के बारे में बात की जा रही है, स्नोपी यहाँ पर डॉग का नाम है तो इसलिए यहाँ पर मैंने इट्स का यूज़ किया है। आई हैव ए कार,
माई कार इज़ ब्लैक, यहाँ पे आई के आई यानी कि मेरे पास एक कार है और कार के बारे में बात की जा रही, तो माई कार इज़ ब्लैक, मेरी कार का कलर ब्लैक है। टू स्टूडेंट डिड नॉट डू देयर मैथमेटिक्स होमवर्क, यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात की गई है तो इसलिए यहाँ पर हम देयर का यूज़ करेंगे। पहला है पॉजिटिव डिग्री, फिर नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड है आपका सुपरलेटिव डिग्री। ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं लगातार, तो इसके बारे में हम यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आपको पता है इसके यूजेस कैसे होते हैं, एक बार इसको बस कर ले, यहाँ एक्सरसाइज में समझ लेते हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री में क्लेवर है तो कंपैरेटिव में क्लेवरर हो जाएगा, ई आर ऐड हो जाएगा, और जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो ई एस टी ऐड हो जाएगा, क्लेवरेस्ट। बोल्ड बोल्डर बोल्डेस्ट, नोबल नोबलर नोबलेस्ट, पेल पेलर और पेलेस्ट। अगर वाई है, वाई को रिमूव करके आई ई आर हो जाता है, जैसे कॉस्टली का कॉस्टलियर और कॉस्टलीएस्ट, अर्ली इजी इजियर और इजीएस्ट। कुछ कुछ वर्ड्स में जो हमारा लास्ट लेटर है वो रिपीट हो जाता है, जैसे सैड है, जब हम इसका कंपैरेटिव करेंगे तो सैडर हो जाएगा, डबल डी आ जाएगा। इसी तरह से अगर रेड है तो डी हमारा रिपीट हो जाएगा, तो रेडर डबल डी आ जाएगा। और कुछ वर्ड्स में ई आर और ई एस टी नहीं लगते हैं, जैसे डिफ़िकल्ट हुआ, करेजियस हुआ, ब्यूटीफुल हुआ, तो इसके लिए हम कंपैरेटिव में मोर वर्ड का यूज़ करेंगे, और अगर सुपरलेटिव में सुपरलेटिव बनाना होता है तो हम मोस्ट का यूज़ करते हैं। अब ये एक्सरसाइज है, जैसे ब्लड इज़ डैश थिक थिकर थिकेस्ट देन, मैं आपको इसके यूज बता देती हूँ कि इसकी पहचान क्या है। जैसे ब्लड इज़ थिकर, अगर आपका देन आ रहा है, टी एच ए एन, अगर देन वर्ड आ रहा है तो यहाँ पर आपका कंपेरेटिव होगा, तो यहाँ पर कंपेरेटिव है तो आप थिकर का यूज़ करेंगे। शी इज़ द, अगर दा दा के दा आ रहा है तो यहाँ पर निश्चित ही सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होगा, तो यहाँ पर वाइजेस्ट हो गया। दे लिव इन द अपर मोस्ट, तो द आ रहा है तो यहाँ पर सुपरलेटिव आ गया। इट इज़ द आ रहा है तो नियरेस्ट हो गया। ही रीच द प्ले ग्राउंड, अब यहाँ पर कुछ ना तो दैन का यूज़ हुआ है ना ही दा का, तो यहाँ पर हमारा आएगा पॉजिटिव डिग्री का, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा लास्ट। योर हैंड राइटिंग इज़ वर्स दैन माइन, दैन का यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर हमारा कंपेरेटिव होगा, तो ये वर्स हो जाएगा। इसी तरह से आप बाकी की एक्सरसाइज कर लेंगे। अब यहाँ पर है नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिग्री ऑफ कंपैरिजन को हमको आइडेंटिफाई करना है। जैसे नियरेस्ट है तो ये आपका सुपरलेटिव हुआ, नैरो है आपका पॉजिटिव हो गया, ओल्डेस्ट सुपरलेटिव, मोर है आपका कंपैरेटिव हो गया, हाई आपका पॉजिटिव होता है हुआ, और हैवियर है तो आपका कंपैरेटिव हो जाएगा। इसी तरह से आप बाकी की एक्सरसाइज भी कर लेंगे। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।